तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त हो गए। सो अभी हम लोग आपको एक ऑथेंटिक सा जो हमारा कल्चरल है, जैसे बिहार का कल्चरल है कि वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा फेमस बाटी चोखा, जो कि यहाँ पे आपको पता है द बाटी, मतलब जैसे द बाटी किंग नाम से रेस्ट्रो टाइप, मतलब हमने रेडी वगैरह पे बहुत सारे देखे हैं बट ऐसा मैंने पहली बार देखा, तो ये तो लेना बनता था। तो अभी देखते हैं यहाँ पे मतलब क्या सोच के रखा नाम ये द बाटी किंग, मतलब बर्गर किंग, हरा ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं बट ऐसा मैंने पहली बार सुना और आई होप आपने भी पहली बार सुना होगा, जो कि मतलब इनकी सोच है, पता नहीं क्या ही होगी कि मतलब जैसे कि बाटी किंग, बाटी को किंग बना दिया, तो अंदर चलते हैं और बताते हैं कि मतलब हाय यार, मतलब बाटी को इतना मतलब जैसे कि एक दिया है इन्होंने। सो अभी हम लोग अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं क्या प्राइस है। और पहले मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ, ये आपको 21 क्लब कचहरी बनारस पे मिल जाएगा और कचहरी चौराहा में आपको दिखाती हूँ। देखो इधर ये जलान है, जलान से थोड़ी सी दूरी पे मतलब 4-5 कदम चल के आओगे यहाँ पे बाटी किंग मिल जाएगा। आई नो कि आपने आप लोग नहीं जानते हो बट अभी हम लोग मतलब इसको अच्छे से बताएंगे आपको, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और बताते हैं। ये है द बाटी किंग, अब इसके अंदर हम लोग चल रहे हैं अपने प्यारे प्यारे कदमों से और अंदर चल के आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है हिंदी में, जिसको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, द बाटी किंग शुद्ध दूध घी से बना हुआ स्वादिष्ट। भाई दूध लगते हैं क्या इसमें? तो अभी ये देखो, ये छोटा सा अंकल जी का सेटअप है, तो हमारे जो चाचा जी हैं उनसे बात करते हैं और द बाटी किंग का राज जानते हैं कि ऐसा क्यों है ये। ओके सो नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं? ठीक है। कब बताइए, कब से ओपन हुआ है ये? ये कब से ओपन है? पिछले साल धनतेरस। बाटी किंग ही क्यों रखा नाम? क्योंकि बहुत सारे नेम्स हैं बाटी के। अच्छा। तो ये बाटियों का राजा है। अच्छा, राजा है ये? यस। मतलब बाटियों में बाटियों का राजा, जैसे कि राजा रानी चलता है वैसा वाला राजा। यस यस यस, ठीक है। तो मतलब आपने मतलब कब से, मतलब अक्टूबर वगैरह में बोला था कि अगले साल? पिछले साल बोला था। ओके, तो बताएंगे कितने का है ये? ये 30 का एक है। अच्छा, बाहर लिखा हुआ है कि दूध वगैरह ये सब क्या है? मतलब ये दरअसल आटा जो है आशीर्वाद का ही यूज होता है मेरे यहाँ। अच्छा, आटा का आशीर्वाद का यूज करते हैं जी, और आटा जो है वो दूध में ही मैस होता है। दूध में उसको करते हैं जी, नॉर्मली तो पानी में होता है गांव में भी। यस यस यस, इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी सॉफ्टनेस। अच्छा, सॉफ्ट रहता है बहुत, जैसे बाहर जो कड़क वगैरह मिलता है रेडी वगैरह पे, यहाँ आपको एकदम सॉफ्ट, मतलब इनकेस आप इसको स्पून से काट के खा सकते हो। स्पून से भी? यस। इतना ज़्यादा सॉफ्ट? यस। ओके, इसीलिए तो कहें कि इसका नाम बाटी किंग इसीलिए रखा गया। अच्छा, मतलब राजा है ये? बिल्कुल। मतलब अंकल जी का, अच्छा अंकल जी आपने शुभ नाम नहीं बताया अपना, क्या? मेरा नाम मुरारी सिंह हुआ जी। मुरारी सिंह। मुरारी सिंह जी, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले हम बिहार के। अच्छा, इसीलिए तो राजा बता दिया। तो अंकल जी का कहना है जो किंग है बाटी किंग वो राजा है हमारा। बिल्कुल है। तो इनके राजा को अभी हम लोग टेस्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अंकल जी बिहार के हैं तो अलग ही एक लगाव होगा उससे। जी जी जी, बिहार के सभी लोग, जैसे यूपी में भी ले लेते हैं, यूपी में हर स्टेशन हर मतलब हर जगह पे एक रेडी मिलता है, लेकिन ये रेस्टो कैफे मतलब खोल दिया आपने जी, ये दरअसल यूपी बिहार का फेवरेट भोजन है। अच्छा, फेवरेट भोजन। इससे पेट भी भरता है, मन भी तृप्त हो जाता है। और एकदम सबसे बड़ी चीज है कि जो आजकल जो मिलते हैं फास्ट फूड वगैरह, उन सबसे तो जरूर बेहतर है। अच्छा, उन सबसे बेहतर है जी। और यह वो ऐसा नहीं है जो इसको पसंद नहीं करता। अच्छा, चाहे वो किसी एज का हो। मतलब नॉर्मली तो इंसान फास्ट फूड तो खाता ही है जी जी, लेकिन बाटी चोखा खा के मन और पेट दोनों भर लेता है जी। और वो भी आपको यहाँ पे एकदम मतलब समझिए जो आप फीलिंग घर में करते हैं भोजन का, हाँ। वो फीलिंग आपको यहाँ मिलेगी। अच्छा, एकदम वही वाली फील कराते हैं आप? जी बिल्कुल। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग अंकल जी के जो बाटी चोखा है उसको अभी टेस्ट करेंगे। प्राइस क्या बताया आपने? 30 रुपीज़ पर पीस। पर पीस 30 जी। ओके, तो एक हमारे लिए लगा दीजिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू। अभी भैया से पूछते हैं, भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरपीन है।
अच्छा, तो ये आप टेस्ट करते हैं कैसा है या? बहुत बढ़िया है, और प्लस ये देसी घी की बनी रहती है तो बहुत क्रिस्प, बहुत सॉफ्ट और टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है। तो मतलब अंकल जी ने बताया कि ये सॉफ्ट रहता है, जो बाटी चुका है वो सॉफ्ट है? हाँ हाँ सॉफ्ट है। मतलब बाकी जो बाटी चुका आप खाते हो रेडी वगैरह पे? बाकी तो काफ़ी हार्ड रहता है, हार्ड रहता है बहुत, और हाँ ऑथेंटिक एकदम गाँव वाला टेस्ट है। हाँ एकदम वैसे ही है, हाँ हाँ एकदम वैसे ही, सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ है। और हाँ हाँ है ऐसे ही, क्योंकि टेस्ट समझ में मतलब ऑथेंटिक आपको टेस्ट मिलेगा। प्लस ये है कि अब आप बाहर कहीं भी जैसे आसपास खाओगे बाटी चोखा तो काफ़ी टीथ पे हार्ड रहता है वो, है ना, लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं है। प्लस इनकी बाटी जो है वो काफ़ी साइज़ में काफ़ी बड़ी रहती है, हाँ सॉफ्ट है, तो कोई भी खा सकता है। फ्रेंड्स ये जो चूल्हा जिस पे कोयला वगैरह लगा करके ये बाटी जो सेकी जाती है, ऐसा नहीं है कि गैस वगैरह पे करके देते हैं, नॉर्मल जैसे हम लोग के यहाँ होता है ना वैसे ही है। ये देख रहे हो जल भी रहा है एकदम, और यहाँ पे जो बाटी है वो रखा गया है, और आपको चोखा और वो सारी चीज़ दिखाते हैं जो इसमें रहती हैं। फ्रेंड्स ये भैया जी लगा रहे हैं बाटी को, एकदम जैसे ऑथेंटिक होता है नॉर्मल एकदम वैसे ही लग रहा है यार। मतलब मुझे तो लगा था गैस वैस का है क्या कि रेस्टोरेंट खोल रखा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बाटी के साथ जो जो मिलने वाला है ये देखो, ये है घी जिसमें डिप करके दिया जाता है, और ये रहा अनियन, और ये आपका वो मिर्च जो कि तेल में इसको तला गया है नमक वगैरह डाल के, और ये टमाटर वाली चटनी, टमाटर और मिर्ची वाली चटनी है ये, और ये है आपका बैंगन का चोखा, और ये हमारी आलू वाली चोखा। मतलब ये तीन चार वैरायटीज इसमें हैं जो कि नॉर्मली हम लोग एक ही चोखा खाते हैं, बट इसको अभी हम लोग टेस्ट करेंगे, अपना प्लेट लगवाते हैं और बताते हैं आपको कैसा है ये। तो ये गया यहाँ पे, और अभी होगा ये इसमें डिप, देखो जैसा मैंने बताया था वैसा। नॉर्मली जैसे हमारी नानी वगैरह बना के खिलाती थी वैसा, एकदम घी में लथपथ वैसा कुछ। और ये हमारा जो आलू का चोखा है वो जा रहा है इसमें, भाई इतना ज़्यादा अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है क्या बताऊँ। और ये गरम गरम बैंगन का चोखा, और ये जा रही है हमारी चटनी जो कि टमाटर और नॉर्मल मिर्च की है, और ये रहा हमारा अनियन जो कि जिसको प्याज बोलते हैं हमारे यहाँ। और अभी हमारी जा रही है बाटी गरम गरम एकदम घी में लथपथ। इसको देखो हमारी प्लेट जो एकदम रेडी हो चुकी है, और इसमें स्पून भी अगर आपको चाहिए तो मिलेगा, वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं थी बट फिर भी मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारी प्लेट है जो रेडी हो चुकी है, इसको हम लोग टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको। हमारी जो बाटी है वो लग के रेडी हो चुकी है, तो अभी लोग इसको टेस्ट करने वाले हैं, तो वो अभी टेस्ट करते हैं आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। ये हमने चोखा ले लिया, और ये थोड़ा कुछ ऐसा लग रहा है, तो अभी टेस्ट करते हैं इसको। ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है यार, मतलब नॉर्मली देखो मैंने कैसे तोड़ा, एक बार और तोड़ के दिखाते हैं। ये ऐसे किया बिना उसके, देखो ये देखो ऐसे टूट रहा है, इसमें देखो भरा हुआ है एकदम सत्तू, भर भर के गिर रहा है यार, तोड़ने हर एक बार तोड़ते हुए जैसे वैसे ये गिरता है। और ये चोखा इसका सबसे तीखा मुझे खास पसंद है, बट इसको टेस्ट करते हुए तो फ्रेंड 30 की है, ये 1 30 की है, मैंने 2 लिए तो मेरे को 60 को पड़ेगी, और मैं आपको एक बार एड्रेस बता दूँ, 21 क्लब वाराणसी कचहरी पे ये। और मैं इसको फिनिश करने वाली पूरा, वैसे मैं इतना जल्दी खाती नहीं हूँ बट फिर भी खाना है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और एकदम घर वाली फील आ रही है। नॉर्मली यहाँ पे बैठ करके आप खा सकते हो, एकदम घर की तरफ फील आ रही है, जैसा अंकल जी ने बताया था एकदम सॉफ्ट, तो भाई ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसको आप भी आओ और खाओ, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये कैसा लगा, और नेक्स्ट कुछ किंग क्वीन टाइप कुछ आने वाला है
सो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, और अंकल जी को भी थैंक यू कि इतना मतलब अच्छा इन्होंने रखा। सो अभी इसको हम लोग फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू फॉर ऑल सब्सक्राइबर्स और जितने मेरे कमेंट करने वाले हैं, रोहित और बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका कमेंट पढ़ती भी हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने और भी देखा था बनारस में कोई मतलब ज़्यादा मतलब बनारस जैसे जंक्शन पे बनाना था स्टेशन पे, तो मैं ढूंढ रही हूँ, जैसे ही मिलेगा मैं बना के ब्लॉग डालूँगी ज़रूर खाने का। सो थैंक यू, बाय।